ये शादी वाला आइटम हम भी बचपन में बहुत सारी शादियों में जाते थे पेरेंट्स के साथ, तो तब ये 5 स्टार वाली शादियां तो मैंने अटेंड नहीं की थी, जहां सब कुछ बुफे कर देते हैं या सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं और वेटर्स सर्व करते हैं। तो शादियों में बहुत अपन जाते थे, हम सब शायद ऐसी शादियों से ही जगह से निकले होंगे जहाँ घर के लोग सर्व करना, वो कितना अच्छा भी लगता था, घर के लोग ही खिलाते थे अपने और जिद करते थे। अरे सुनो, बुला रहे हो कौन? वो बुला रहे हैं, उनको पता नहीं आज क्या काम पड़ गया है, ये बांग्लादेश को वापस शामिल करना चाहते हैं। इसकी एक अभी इसने लॉटरी जीती पता है, हाँ इसने लॉटरी जीती, लॉटरी में निकला हस्बैंड वाइफ के लिए बैंकॉक की रिटर्न टिकट फ्री। तो ये क्या है, उसमें पर्ची में लिख के डाल रहा है, अरे वो छोड़ो मैं ही दो बार आता हूँ। सो तब जब खाना खिलाते थे अपने हाथ से, जब बारात आती थी और अपने हाथ से खाना खिलाते थे, जादू जा रहा है। तो पहले जब हाथ से खाना खिलाते थे घर वाले, उसमें क्या मोहब्बत थी, देखने में लगता था झगड़ा, लेकिन थी वो मोहब्बत। यूं भाई साहब एक रोटी होली, नहीं नहीं हो गया, अरे एक ले लिया, खा लिया, खा लिया, अरे को ले लिया, गरम है, गरम तो कोयला घुस मोहब्बत, कह लिया खा लिया। तो अच्छा, इससे झगड़ा चल रहा होता है, इससे झगड़ा हो रहा है और ये बगल में जो बैठा है ये इसको जानता भी नहीं, वो धीरे से कहता है, अरे भैया दो इनको दो। एक करेक्टर मैंने देखा शायद, अच्छा कुछ लोग इतना इत्मीनान से खाना चाहते हैं, खाना चाहिए शांति से, लेकिन वो जाके पूरा अरेंजमेंट करते हैं, बारात चाहे जिसकी हो क्या सेटिंग करते हैं, वेटर उन्हीं का ध्यान रखता है, इसकी प्रैक्टिस होती है कुछ लोगों को। अब वो चेयर, एक चेयर बैठे हैं, एक चेयर उल्टी करके रख ली, एक चेयर इधर, उसमें पानी वानी रखेंगे, इधर ट्रे, ऐसे पूरा सजा लिया, लोगों को एक चेयर नहीं मिल रही है, 3 घेरे हुए। अब खा रहा है, खाते अबे यार आर आर पार क्यों दिख रहा है यार, गूदा पहले निकाल लिया, अबे यार मिर्चा बहुत डाल, मिर्चा स्पाइसी बहुत करती है भैया। ओ सुनो, ओ भाजी पंखा छोड़ हवा अंदर यार, हवा की तरह रहते लो रहता है, कबाब हाँ ले यार, पूछ क्यों रहे, लाओ ना। अब ये खा रहा है, जिनके यहाँ शादी थी वो आए, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो भाई हमने तो आपको बुलाया नहीं, ये तो आपकी गलती हुई ना, मैं तो अपने टाइम पे आ गया। अच्छा कुछ लोग बुफे खाना खाने जाएंगे, लास्ट तक 3200 आइटम उसमें लेते हैं प्लेट में, चाहे प्लेट में जगह ना हो, गुलाबो सिताबो 3200 आइटम उसमें लेते हैं, पूरा भर लेंगे, पूरे आइटम इसलिए लेते हैं कि कल को कोई ये ना पूछे, तूने कहाँ तक लिया था हाँ रायता तक, वहां तक डेकोरेशन था, मेन खाना उसके बाद ही था। और कुछ लोग इतना भर लेते हैं, जैसे ही चम्मच उतना अंदर डालते हैं चम्मच घुसती नहीं है, फिर और फोर्स लगाएंगे तो पता चला 2 कटोरी निकली खाली, जो शुरू में ले लिया था उसमें डालना भूल गए, उसको कवर्ड कर दिया पूरा चावल से। अब पूरे आइटम लेके लोग ऐसा निकलते हैं, ऐसा लगता है कारगिल से कोई जवान लौट रहा है, हटना बगल एक से संभालना, खन्ना साहब संभालना, ले आया यार, ले आया खा साहब, हम तो ले आए, अब एक हफ्ते नहीं मिलेगा चलेगा,
अब पूरा खाना उसमें घचड़ पचड़ मिक्स हो जाता है, रायता रायता विदाउट इंट्रोडक्शन, चावल के नीचे से आ रहा है, चावल के नीचे से आया और आलू मेथी को मिलकर लौट गया, रोटी आधी बाहर लटकती है, ऐसा लगता है बच्चे बेड के बाहर पैर लटकाए हुए, पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूँ, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है, अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूँ, जो लाया था बिगनिंग से भूल गया है, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊँगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। और शादियों में फैशन देखिए, फैशन शादियों में फैशन, सर्दी का टाइम विंटर का सीजन, आदमी सूट पहने टाई पहने ब्लैंकेट भी लपेटे सब है, वहीं लेडीज कुछ नहीं, इनको ठंडी लगती नहीं, पीछे नेकलेस वेकलेस पहने आराम से मस्ती जा रही होती है, वो ऊपर वाले ने दिया उनको कुवत, और एक चलता वो पहन लेंगे घाघरा बहुत बड़ा सा तंबू जैसा, और वो पीछे ये पहले अंदर आ जाती वो इनका कपड़ा कहता हमको भी ले लो, और पूरी शादी में बेचारी इतनी परेशान ऐसे घूमती रहती है घाघरा। हेलो हेलो जीजू, हाय जीजू हाय। और उस दिन जो साली होती है मतलब दुल्हन की सिस्टर, वो पूरा जोश में मूड में और एकदम हैप्पी, वो कहीं और सर्व करे ना करे अपने जीजा जी को वो डेजर्ट लेके जाएगी, स्वीट लेके जाएगी, तो इतना बड़ा डोंगा और उसमें सिर्फ 2 गुलाब जामुन वो लिए हुए पूरा स्टाइल में, जीजा जी जीजू एक रसगुल्ला। एक रसगुल्ला, अब आम आदमी बोलता है रसगुल्ला, ये स्टाइल में रसगुल्ला एक रसगुल्ला लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नो भी लेना पड़ेगा। और इतनी इतनी तरह की लाइटें, मैंने तो लाइट्स की जो वैरायटी देखी ऐसा लगता है 1947 के बाद सबसे ज़्यादा लाइटों की तरक्की हुई है, इतनी वैरायटी, पहले तो ऐसे सीधा जलती थी, पहले तो यही थी सिंपल, अब इसमें वैरायटी आ गई, कुछ लाइट का जैसे ऑन करो ऐसा लगता बहुत जल्दी में, अब उसमें और वेरिएशन आ गया है, 2 तरह का करती है ये देखो, और जो डिसेंट लोग होते हैं हाई सोसाइटी के, जिन्होंने अपनी दुकान अलग लगा रखी है गरीबों से जो नहीं मिलते, उनके एक ही टाइप की लाइट लगती है, डिसेंट है वो लोग, और बाथरूम के बल्ब को तो लगता है किसी ने फिटकार दिए, सब जलेंगी, तुम्हारा जलना बहुत ही मुश्किल ही है, बाथरूम जलाओ वो बुझी बुझी लाइट है, वो जलाओ तो उसके बल्ब से आवाज भी आती है, और कभी कभी हम अपने घर में जब शादियां होती हैं तो कभी बच्चों से कह देते हैं भाई ध्यान रखना, सुनो ए गुड्डू देख ध्यान रखना कोई मेहमान खाए बगैर ना जाए, सबको पूछते रहना खाना खा के जाओ, हाँ ठीक ओके गया, अब पता चला, अब उसने इतना सीरियसली ले लिया,
इस बात को, सबसे पहले जहाँ जयमाल हो रहा है दुल्हन के कान में बोल रहा है खाना खा के जाना है, दूल्हे से बोल रहा है खाना खा के जाना, और खाना खा के जाना खा के जाना कहते कहते गेट के बाहर चला गया, सब रिक्शे वालों को बोला है आए, खाना कम पड़ गया क्योंकि लोग खा के चले गए। मेरे हिसाब से खाना धीरे धीरे उठ रहा है, सबसे पहले जमीन में खिलाते थे, अब टेबल पे आ गया, उसके बाद उन्होंने हाथ में ले लिया बुफे वालों ने, कुछ दिनों में देखना हवा में लटक रहा होगा, लोग दौड़ दौड़ के रोटी लेंगे, अरे तंदूरी अच्छा ऐसी ऐसी जगह से बारात जाती है जहाँ नाचने की जगह नहीं है मगर नाचना ज़रूरी है। बम्बई में तो रोड पे निकाल नहीं सकते बारात, लेकिन यहाँ मैंने देखा बहुत जगह बारात लेके जाएंगे ट्रैफिक की ऐसी की तैसी, वो अपना जा रहे होते हैं नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी, ए जीजा जीजा जीजा, अरे कैसे नाचे यार, ये देखो गटर, जगह जगह गटर है, इनमें ढक्कन है नहीं, गटर है ढक्कन है नहीं, अब गटर भी बरातियों का ऐसे इंतजार करता है, आओ आओ आओ, एक तो आओ, एक जनाओ एक जनाओ, अच्छा ठेलिया निकाल ली, अब डांस करेगा आदमी, डांस करते करते तो जीजा जी बोले अरे यार ऐसा करो वो जो गटर है उसको दोनों पैर के बीच में ले लो, ऐसा डांस करो लोग हमने कोई नया स्टेप आया वो ठीक है, आज मेरी यार, ए बरातियों को क्या हुआ, दो बराती अंदर हैं, हाँ और बराती जो अंदर है वो क्या कह रहा है, नेतागिरी ना करो आगे बढ़ो हम लोग दूसरी बारात के हैं। दोस्तों एक बार राजू श्रीवास्तव जी के लिए आप लोग जी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। बहुत शुक्रिया।